कुर्बानी करने के बाद कनकई मार सकते हैं, हनफी मसलक में तो दम पड़ जाएगी, बाकी अम्मा के नजदीक जायज है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मसाइल में बड़े सख्त हैं। वो कहते हैं कि हजूर पाक ने जो पहले कनी मारी है उसके बाद कुर्बानी की, फिर सर उठाया, तुम उसी तरह करो। उनका इसलाह ये है। बाकी हम कहते हैं हुजूर ने इजाजत तो दी थी ना, इजाजत तो उनको दी थी जिनने गलती की थी। ये तो नहीं ना कि पहले से पैसे दे के जान छुड़ा के टिकल दे के घर चले जाओ। कहते हैं बाद वहां भी कहते हैं भैंस की कुर्बानी नहीं हो सकती, मजबूरी के तहत हो जाएगी जब और कोई चीज न मिले। कोई इख्तलाफ नहीं है आपके पास, जो वहां भी कहते हैं नहीं होती उनसे पूछें भैंस की कुर्बानी क्यों नहीं होती, क्या वो हलाल नहीं है, क्या उसमें साथ हिस्से नहीं है। हजूर के जमाने में नहीं थी इसलिए रिवे नहीं होगी। हजूर ने तो फिर गाय भी जिबे नहीं की, हजूर ने तो 100 ऊंट जिबे किया। तो तुम भी अपने मुल्कों में कुर्बानी में सिर्फ ऊंट जिबे किया करो ना, बस बैठे रहते हैं।